नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर अंतर्कलह का सामना करना पड़ रहा है। इस बार लड़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दो मंत्रियों के बीच की है, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। दरअसल आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच जुबानी हमलों को देख कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी अब नाराजगी जताते हुए सीएम अशोक गहलोत को आखिरी वार्निंग दे दी है। अपने मंत्रियों पर नियंत्रण पाएं क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना चीफ मिनिस्टर का काम है। कांग्रेस के मंत्री एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर के विकास को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपनी ही सरकार के मंत्रियों और पार्टी विधायकों पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से जयपुर का विकास नहीं हो पाया। शांति धारीवाल का कहना था कि मंत्रियों और विधायकों में जारी अनबन के चलते विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। मंत्री के इस बयान पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास नाराज हो गए और उन्होंने पलटवार करते हुए शांति धारीवाल पर ही कई आरोप लगा दिए। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शांति धारीवाल ने कांग्रेस विरोधी बयान दिया, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि शांति धारीवाल को अनुशासनहीनता के लिए पहले से पार्टी की ओर से नोटिस मिला हुआ है, इसके बावजूद वो ऐसी बातें करते हैं। वहीं खाचरियावास ने शांति धारीवाल को बीजेपी का कार्यकर्ता घोषित कर दिया। आरोप लगाया कि वह कांग्रेस को हराना चाहते हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी इसी तरह अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए थे। यहां तक कि सचिन पायलट के पार्टी से बाहर होने और नई पार्टी बनाने के कयास भी जोरों शोरों से लगाए गए। सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस अंतर्कलह का सामना कर रही है, क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में मार सकती है? क्या अशोक गहलोत को एक के बाद एक दो बड़े झटके लगने हैं? क्या सचिन पायलट के बाद अब शांति धारीवाल को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सच हो जाएगा? दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर भी ये दावे किए जा रहे थे कि वो नई पार्टी बनाने वाले हैं। क्या अब शांति धारीवाल और सचिन पायलट दोनों मिलकर कांग्रेस को कोई बड़ा झटका दे सकते हैं? क्या सचिन पायलट की नई पार्टी बनाने पर शांति धारीवाल उन्हें अपना समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज। नमस्कार।